व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में किसी नजदीकी रिश्तेदार के द्वारा आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। भावनाओं में बहकर आप किसी प्रकार का गलत फैसला ना लें और आर्थिक मुद्दे पर किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें। बेरोजगार लोगों को आज इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में सकारात्मक गतिविधियाँ होगी, नई योजनाएं शुरू होगी, पुरानी योजनाएं साकार होगी और आर्थिक रूप से लाभदायी नए करार भी आज हो सकते हैं। शेयर बाजार जैसे क्षेत्र में निवेश के लिए दिन अनुकूल है। आज निवेश करने से आपको आर्थिक लाभ हो ऐसा संभव है। पारिवारिक जीवन भी अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। परिवारजनों से आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। माता से रिश्तों में आई हुई कड़वाहट दूर होगी। भाई बहन से भी रिश्तों में आई हुई दूरियां दूर होगी। संतान से जुड़े हुए अच्छे समाचार पारिवारिक आनंद में बढ़ोतरी करेंगे। दिन दौर में किसी नजदीकी स्थल पर पारिवारिक यात्रा हो सकती है। यह यात्रा किसी धार्मिक स्थल की हो ऐसी संभावना ज्यादा है। आपका आरोग्य भी दिन भर अनुकूल बना रहेगा, किंतु दिन के अंतिम दौर में आपको थकान या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक समस्या हो सकती है। व्यापार व्यवसाय नौकरी से जुड़े हुए कार्यों में अति व्यस्त रहने के कारण आपके आरोग्य पर कुछ हद तक प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें और अपने लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़े हुए कार्य पूरे करने में आज ज्यादा समय लग सकता है। संभव है एकाग्रता में कुछ हद तक कमी आए, किंतु दिन पूरा होने तक प्रदर्शन बेहतर रहेगा। मित्रों का संपर्क होगा। शिक्षा से जुड़े हुए कार्य पूरे करने में मित्रों का सहयोग और सहकार भी मिल सकता है। महिलाओं के लिए भी दिन ज्यादातर मुद्दों पर अनुकूल रहेगा। बुजुर्ग लोग आज किसी प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधि में समय व्यतीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि